कौन कड़ा मांगी भी बात होनी आमको बहुत जोर भोक है आम जाऊ सब फेमस पाखे ढाबा चिलिका ढाबा समस्ते जानते चल चिलिका ढाबा एवं केमती कौन टेस्टी कौन तार मन आज संडे अच्छी पाखे टूरिज्म सब प्रायत चिलिका ढाबा बहुत गहल बस चिलिका ढाबा आज बहुत गहली कहीं एमती आज रविवार पुणे एबे शीत दिन जेहेतु चिलिका बुलाक बहुत लोक चिलिका ढाबा समस्ते प्राय जानते जो मैंने चिलिका आसते निश्चय खाई मु दस बार वर्ष पूर्व खाई थरटे बहुत टेस्टी थी तो आउ लोभ संबरण कर पारे तो मुझे चल जावा खाइबा तो बहुत भिड़ था बहुत सारा आइटम्स वाओ आम को जन कहले सेपट को चल मोर तो मन ही ना जे छोट छोट कैबिन भी हो जाए सेपटे देख लु एसी रूम लिखाई तो भितर लोक भी खाऊंट एपटे गोटा को सी डाक नेला लोकटा भितर गला ये खचाखाच भिड़ बाबरे चिलिका ढाबा जदि खाऊ देखिए प्राय समस्त प्लेट्रे थ गोटे बड़ कंकड़ा ना चिंगुड़ी या ये हूँ मुख्य खाद्य कहवाक गले बहुत जोर एमती भोक बुले बुले सका बुलूच नारायणी पाखक जाइल सेठ आसलु से ओडीआई आर्ट से बुलू भोक हो गला दीटा पर हो गला तो सी आम कह लास्ट बस को तो आम लास्ट को गल से बसी थे दुईज एपट फांका थिला तीन हाँ तीन जन बस थे तो आम हाँ से कहला आम ना गोटे जा मैं एमती कौन गोटे कहले मैंने आमर अच्छा लोक तो आम को पुणी बैक आसवाक पड़े आना ना आमर टेना आमर टेना नु ना नु तो आम पुणी लज्जित ही पछक बैक कल केत लोक उठे आम खाऊ भगवान मैं लोकंर आग्रह देखिक आहरी मैंने एत भिड़ एत लोक खाऊँ मान मस्त होश्चय होते लोक आस तो आमको लास्ट को हेठ ए एसी रूम जो लिखाई थी से भितर तो मत आम कहला टोकन नहीं आस तो मुझे गली टोकन गोटे 500 नहीं आसती आमको मिलला चिंगुड़ी तापर गोटे कंकड़ा भात तापर डाली आणिकले तो आमर खाइबा आरंभ भात गोटे बाल्टी आनी डाली गोटे जगरे तथा तो भोक तो जोर खाईदवा समस्त जो कड़कड़ करके चोबूले कंकड़ा चिंगुड़ी आ रहे खाईदेली दुलदाल किंतु 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 खाइला बेले मने मने भाविली भगवान न करु रूपाली ये समय कह मुरा खाइबिनी कहीं तीनटा पखापाखे मो तेणु चाटी चलिए मैंने बढ़िया लगुला टोटाल फालतू लगुला एत अनहाइजेनिक कितु किसी कही पार नी मुझे रूपाली आगे खाईदे मुझे खाई तापर कह सी भी बोध हुए कि पार ना ती भी तार खाई चलता सी मत भाई मुझे भावुची सी भी सै भावुला तेना आग खाई तापर जापर गोटे पापड़ आण गोटे दे भांगिक आउ सालाड सालाड्रे टमाटो सब सड़ जाइए काकुड़ी गुरा सड़ जाइए हाउ चल खाईद बड़ कंकड़ा
ମାଙ୍ଗି ବି ପାରିବନି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ମୋର ଏଇଟା ମାଙ୍ଗିକିରି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନା ହୋଇପାରିଲା ନା ତରକାରୀ ଏମିତି ଖେଳି ଖେଳିକି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। କହିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଭାତ, ଜନ୍ତା ଭାତ ଆଉ ଡାଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କଙ୍କଡ଼ାଟିର ଦାମ ସେ ଦେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ମେନୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଟିରେ ବାହାରିଲା। କାହିଁକିନା ଏକାଥରେ 500-600 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। କଙ୍କଡ଼ାଟି ନେଇଥିଲା 800 ଟଙ୍କା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଥିଲା 600 ଟଙ୍କା, ସାଲାଡ଼ ନେଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ହେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟାକୁ ନେଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଟୋଟାଲ 1600 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲା। 1600 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା? ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ରେଟ୍ କହିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏଠି କେବେ ବି ଆସିବିନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ହେଲା 1660। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଭାତ ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟାକ 80 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି କଚା କାକୁଡ଼ି ଥିଲା, କାକୁଡ଼ି ଟମା ସାଲାଡ଼ରେ ପୁରା ଫାଲତୁ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି। ୟାଠୁ କାଲି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ବାଲୁଗାଁ ରୁଚି ରୁଚି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଆମର 400 ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଖାଇଥିଲେ ରୁଚି ଖାଇଥିଲେ, ପାର୍ସଲ ଆଣିଥିଲୁ, ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ। ଆଉ ମାତ୍ର ଆମର ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା 400 କେତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏଇଟା କେବଳ ନାଁ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚିଲିକା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁନି। ତାର 4 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାର 4 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ବରପାଲିଠୁ ସେଇଠି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଉ, ଆମର ପୁରା 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଚିଲିକା ଢାବାରେ ଖାଇବା।